किशोर एसी मैकेनिक के बाद मर गया। डॉक्टर के रूप में पेश एम्बुलेंस में उसे मदद करने में विफल रहा। कोलकाता पुलिस ने सरफराज और एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया और लापरवाही के कारण मौत के लिए मामला दर्ज किया। कोलकाता में एक 16 वर्षीय लड़के को अस्पताल ले जा रहे एक अस्पताल में ले जाने के बाद एयर कंडीशनर मैकेनिक को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने कहा कि लड़का अरिजीत दास को बर्दवान के अस्पताल में से एक दूसरे को कोलकाता में विशेष इलाज के लिए स्थानांतरित किया जा रहा था, जब उनकी स्थिति खराब हो गई। जब मैकेनिक एम्बुलेंस में जीवन समर्थन प्रणाली का संचालन नहीं कर सका, कोलकाता के डॉक्टरों ने उन्हें घोषित कर दिया। अरिजीत के पिता ने कथित तौर पर सरफराजुद्दीन को रुपए का भुगतान किया था। कोलकाता के एक अस्पताल में अपने बेटे को एक निजी नर्सिंग होम से लेकर 8,000 तक ले जाया गया। यह आरोप लगाया गया था कि मैकेनिक नहीं जानता था कि कैसे एम्बुलेंस में जीवन समर्थन प्रणाली का उपयोग करें। अरिजीत के पिता रंजीत दास ने पूर्व जादवपुर पुलिस थाने में शिकायत के बाद 26 वर्षीय मैकेनिक को गिरफ्तार कर लिया था। बडवा में एम्बुलेंस चालक और अन्नपूर्णा नर्सिंग होम के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी, जिसने एम्बुलेंस और डॉक्टर के लिए व्यवस्था की थी और उन पर रू का आरोप लगाया था। 16,000 लड़के के परिवार को एम्बुलेंस के अंदर जाने की इजाजत नहीं थी और उसे अस्पताल ले जाने के लिए एक कार किराए पर लेनी थी, रंजीत दास ने कहा। उन्होंने हमें बताया कि वह एक बड़ा डॉक्टर है और वह एम्बुलेंस में कोई परेशानी नहीं करेगा। हम नहीं जानते थे कि वह डॉक्टर नहीं थे, रणजीत दास ने कहा। कोलकाता पुलिस ने सरफराज और एम्बुलेंस चालक को गिरफ्तार कर लिया और लापरवाही प्रतिरूपण और धोखाधड़ी के कारण मृत्यु के लिए मामला दर्ज किया। जांच चल रही है, पुलिस ने कहा। शुक्रवार को दो आरोपियों को अदालत में पेश किया गया। यह पश्चिम बंगाल में ऐसी पहली घटना नहीं है। पिछले साल जून में कोलकाता के प्रमुख अस्पतालों से बिना वैध डिग्री के अभ्यास के लिए 7 डॉक्टरों को गिरफ्तार किया गया था। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने राज्य के स्वास्थ्य मंत्री हैं। पश्चिम बंगाल में निजी अस्पतालों पर एक कार्रवाई के बाद 2017 में क्लिनिकल प्रतिष्ठान पंजीकरण नियमन और पारदर्शिता विधेयक पारित किया था।